Hey everyone, my name is Sumit Kumar Sharma. I welcome you to my channel, Let's Grow with English. So everyone, today we are going to again learn some of the phrasal verbs, you can say, starting with letter C. So we have got five phrasals. So let's start with the first one, cats and dogs life. Cats and dogs life ka matlab kya hota hai? Jab humari zindagi matlab janwaron jaisi ho jati hai aur bahut hi zyada pareshan ho jate hain hum zindagi mein. सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं, तो हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ. सो आप कह सकते हो कलहपूर्ण जीवन जिसमें सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, या फिर लड़ाई झगड़े, हमेशा मोस्टली लड़ाई झगड़े भरे रहते हैं. So, लड़ाई झगड़ों से भरी हुई जिंदगी, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ. सो आप कह सकते हो कि अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं और परेशान रहते हो तो आप कहोगे आई हैव कैट्स एंड डॉग्स लाइफ. सो मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. सो आप कह सकते हो आई हैव कैट्स एंड डॉग्स लाइफ. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, कट एंड ड्राइड. कट एंड ड्राइड का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज एकदम तैयार हो, कम्प्लीटली प्रिपेयर, सो हम उसको यूज करना चाहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जब हमें स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वेट करते हैं कि कुछ बच्चे बनाएंगे, फिर हम उसका प्रोजेक्ट लेकर के खुद कॉपी कर लेंगे. सो क्या हुआ, एकदम बना बनाया प्रोजेक्ट मिल गया, उसको कॉपी कर लिया, मेहनत नहीं करनी पड़ी. दैट वी कॉल कट एंड ड्राइड, मीन्स completely prepared. या फिर हम कहते हैं पका पकाई चीज या फिर बनी बनाई चीज. सो आप कह सकते हो कि उसे अपनी जिंदगी में सारी चीजें बनी बनाई चाहिए, मीन्स एवरीथिंग, उसको हर चीज रेडी चाहिए. सो ही वॉन्ट्स एवरीथिंग कट एंड ड्राइड, मीन्स हर चीज उसको तैयार चाहिए, मीन्स खुद उसको कुछ ना करना पड़े. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन विच इज वेरी वेरी सिंपल, चिकन हार्टेड. इट्स नॉट मीन, इट डजंट मीन दैट चिकन का हार्ट है यहाँ पर. समबडी इज वेरी वेरी टिमिड, और हिंदी में आप कह सकते हो जो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, बहुत ही ज्यादा जिसको डर लगता हो हर चीज से. सो द पर्सन बिकम्स चिकन हार्टेड. सो हाउ डू यू स्पीक दिस सेंटेंस? He has, or you can say he is chicken hearted. So उसका दिल बहुत कमजोर है या फिर वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, आप कह सकते हो इस तरह से. So the next phrase is cock and bull story. Cock and bull story means जब हम अपनी तरफ से कोई कहानी बनाने लगते हैं, that is called cock and bull story. और हिंदी में आप मन गणत कहानियां बोलते हो उन्हें. सो मान लो कोई व्यक्ति कहता है, कहानी बना करके बताता है आपको, तो आप कहते हो कि मुझे ये अपनी मन से कहानी बनाए हुए मत बोलो. सो आप कह सकते हो डोंट टेल मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी. सो मुझे कोई मनगढ़ंत कहानियां मत बताओ, जो सच है वो बताओ. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, कैपिटल पनिशमेंट. ये वर्ड आपको और फ्रेज आपको न्यूज पेपर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है. दैट मीन्स कि जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी जाती है उसे हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, फांसी या फिर आप कह सकते हो मृत्यु दंड. सो He has got capital punishment. Means उसको फांसी की सजा सुना दी गई है या फिर उसको फांसी की सजा मिली है. सो इस तरह से आप यूज करते हो कैपिटल पनिशमेंट. सो एवरीवन, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड ऑल दीज फाइव फ्रेजेस दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर एवरी टाइम इन आवर स्पोकन. सो Stay tuned everyone. Thank you so much for watching my video. Please do like and subscribe my channel. Keep watching and keep learning.